और विजय सांपला ने बंदी सिंघां दी रिहाई बाबत भरोसा दवाया और रिहा हुए बंदी सिंह लाल सिंह ने केंद्र सरकार की शलाघा करदिया कहा कि बंदी सिंघां चों मेरी रिहाई भाजपा की जिहड़ी केंद्र सरकार उन्हां दी बदौलत हुई है। हलका फगवाड़ा तो भाजपा उम्मीदवार विजय सांपला विशेष तौर पर पहुंचे और विजय सांपला ने केंद्र सरकार को बंदी सिंघां दी रिहाई की मंग जो रखी उस बारे बयान किया और अकालगढ़ च नौजवानों खेडों नाल जोड़न लई लाल सिंह की भूमिका नूं वड्डा दस्या विजय सांपला होर ने। सेंटर तो विजेंद्र शेखावन साहब आए से उन्होंने नाल जिन्हां नाल सिख जथेबंदियां ने मीटिंग की जो बंदी सिंघां की रिहाई दे लई मेमोरेंडम दिता तो उन्होंने बड़े बड़ी संजीदा होकर गल सुनी तो एट ए टाइम ही उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह जी ने गलबात करके इस मसले बारे जानकारी ली तो विजय सांपला जी भी नाल था इतने फगवाड़े तो उन्होंने मीटिंग हुई सारी गलबात हुई है तो इन्हों बहुत इस चीज़ योगदान धन्यवाद भी है कि इन्होंने इस गल में बहुत संजीदा लिया। अरे अकालगढ़ की पंचायत को मैं धन्यवाद ही कहूँगा कि जिन्होंने बच्चों सेहत के नाल सेहत भी दिती है सेहत भी दिती है और नाल प्रेरित किया बहुत प्रेरित किया है। लाल सिंह जी का जो दसिया गया कि इतने बहुत बड़ा योगदान है मुंडियां नूं संभालना अज की यूथ नूं संभालना एक बहुत बड़ा काम है। सो पिंड सारे पतवंते सज्जना ने ये योगदान पाया।